शासन के निर्देश पर संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर मंगलवार से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू हुआ, जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परमानेंट लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि 16 जून से डुप्लीकेट लाइसेंस तथा लाइसेंस रिन्यूअल का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। ARTO ने बताया कि 1 जून को 121 स्लॉट बुक हुए थे, जिसमें से 50 लोगों ने बायोमेट्रिक तथा फोटो का कार्य करा लिया है। इसके अलावा जो लोग मंगलवार को अनुपस्थित रहे, ऐसे लोगों को फिर से स्लॉट बुक करना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने कहा, अजय शर्मा है क्या? शासन के निर्देश पर कोविड-19 महामारी को देखते हुए आज से अस्थाई लाइसेंस का कार्य प्रारंभ किया गया है और दिनांक 16 तारीख से लाइसेंस की द्वितीय प्रति, डुप्लीकेट लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल, ये सारे कार्य होंगे। आज प्रथम दिन अस्थाई लाइसेंस वाले आवेदकों द्वारा अपना कार्य कराया जा रहा है। आज की तारीख में 121 स्लॉट बुक हुए थे। अभी तक जो है कुल मिलाकर के लगभग 50 लोगों द्वारा जो है बायोमेट्रिक और फोटो का कार्य कराया गया है। सर, जो बाकी रह जाएंगे उनके लिए क्या करते हैं? आज की तारीख में जो लोग अनुपस्थित रहते हैं उनको अलग से डेट लेनी पड़ेगी। उस तारीख को आने के बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।